ये हो चुका था अपना। हाँ सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर सिक्स, थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व करो। When does fx said to be non-differentiable at x equal to a? A कोई finite number है, तो उस finite number पे कब fx function fx को non-differentiable बोला जाएगा? Select the correct option and justify using an appropriate example. है ना? अच्छा, तो चलो इसको answer करते हैं। ना? बताओ क्या पहला option बिल्कुल सही है? ये क्या बोल रहा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जबकि दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ रही है। तो ऐसा होता है तो नॉन डिफरेंसिबिलिटी मिलती है, मतलब ये बिल्कुल सही है, सही बात कर रहा है। अच्छा बी देखो, ये कह रहा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस इन्फिनिटी आ रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये टाइम एक्स में देख सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो हाँ मतलब, तो इसका मतलब ये भी नॉन डिफरेंसिबिलिटी का कारण है ना, यदि राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस इन्फिनिटी और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है तो भी नॉन डिफरेंसिबिलिटी आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, मतलब ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आने का मतलब ही डज नॉट एग्जिस्ट है, तो ये यहाँ पे नॉन डिफरेंसिबिलिटी मिलेगी। और इवन यदि कुछ ऐसा हो कि मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है और दूसरा प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा हो तो भी बाय द वे नॉन डिफरेंसिबिलिटी देखने को मिलती है। अच्छा यदि हम सी की बात करें तो ये क्या है कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि डिसकंटिन्यूटी इम्प्लाय नॉन डिफरेंसिबिलिटी था, क्या ये पॉइंट था? याद करो हम लोगों ने लिखा था कि डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए इंप्लाय नॉन डिफरेंसिबिलिटी टी एट एक्स इक्वल टू ए, यही था ना? तो भाई ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ एक और ऑप्शन आता है डी, एफ एक्स हैज वर्टिकल टेंजेंट। यदि कोई फंक्शन एफ एक्स की वर्टिकल टेंजेंट हो एट एक्स इक्वल टू ए, लाइक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि एक एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। एक्स टू द पावर 1/3 का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, मैं चलो बना देता हूँ। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और इसका ग्राफ जो यदि आप बनाओगे ना तो कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे, और ये इस तरह का सिचुएशन आएगा। कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ऐसी सिचुएशन है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 है, ठीक है, ये सिचुएशन है। तो अब इसमें जो वर्टिकल टेंजेंट है, देखो जीरो पे ओरिजिन पे यदि आप टेंजेंट बनाओगे तो ये यही y एक्सिस एज अ टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट का काम करेगा, ठीक है, दिस इज अ वर्टिकल टेंजेंट। बल्कि अब यहां पे देखो ये पर्टिकुलर एक ऐसा केस है जिसमें फंक्शन का कर्व भले ही स्मूथ है, बहुत स्मूथ है जीरो पे, बट स्टिल एफ एक्स इज नॉट डिफरेंसिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 1/3 इज नॉन डिफरेंसिएबल। तो पर ऐसा क्यों? डिफरेंशिएबल विल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे यदि आप एफ डैश जीरो की बात करोगे तो ये नॉट डिफाइन आएगा, इन्फिनिटी है मतलब। हाँ मतलब प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भी बोलोगे तो भी तो भी मतलब डज नॉट एग्जिस्ट की बात की जाएगी, समझे ना? लेकिन यदि वर्टिकल टेंजेंट का मतलब है कि सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है ये, ठीक है। कई लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि सर एफ डैश जीरो प्लस देखोगे तो ये आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और एफ डैश जीरो माइनस देखोगे तो ये आ जाएगा
हाँ ये भी, तो भी ये प्लस इन्फिनिटी ही आएगा। मतलब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डायरेक्ट यही टेंजेंट बनेगी क्योंकि इंक्रीजिंग है ना, तो इसी तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों ही सिचुएशन है, ये डज नॉट एग्जिस्ट है, तो भी आप बोल सकते हो कि फंक्शन डी पे क्या है, नॉन डिफरेंशियबल है। ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब समझ आया क्या, है ना? बेसिकली ये होना चाहिए, बट चूंकि हम जिस तरह से ये डिफाइन करते हैं एफ डैश, उसमें दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट के बिहाफ पे टेंजेंट का स्लोप निकाला जाता है, समझ रहे हो? जब दो पॉइंट के बिहाफ पे टेंजेंट का स्लोप निकाला जाएगा तो ये सिचुएशन आएगा। लेकिन यदि आप एक्चुअल में देखोगे वर्टिकल टेंजेंट, तो फिर उस समय ये 10 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 10 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 90 नॉट डिफाइन आता है ना। यदि वैसे देखते हो तो ये नॉट डिफाइन आएगा, इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्रूव दैट डिफरेंसिबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इम्प्लाइज कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब कि किसी पॉइंट पे फंक्शन यदि डिफरेंसिबल है तो वहां पे वो कंटिन्यूस तो हो जाएगा, बट उसका रिवर्स नहीं होगा। रिवर्स मतलब यदि कोई फंक्शन ए पे कंटिन्यूस है तो वहां पे डिफरेंसिबल होगा, ये गारंटी नहीं है। क्या क्वेश्चन समझ आया? हाँ ना, इसको सॉल्व करो अपने से, बताओ क्या आंसर, किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ। देखो ये कह रहा है कि ए पे जो फंक्शन है डिफरेंसिबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, तो मतलब फंक्शन ए पे डिफरेंसिबल है। इसका मतलब है कि एफ डैश ए को जो हम लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये एक फाइनाइट वैल्यू है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमें कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, तो मैं एक काम करता हूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए के बारे में बात करता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, ये इससे क्या मिलेगा, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? अब देखो ये तो, ये जो क्वांटिटी है क्या ये एक फाइनाइट नंबर है, लेकिन लेकिन ये क्या है, ये किसकी तरफ टेंड करेगा, ये तो जीरो की तरफ टेंड करेगा ना, तो फाइनाइट इंटू जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी बताओ। फाइनाइट इंटू जीरो किसकी तरफ जाएगी, ये लिमिट कितना हो जाएगा, ये जीरो ना। जीरो आएगा ना, अरे जीरो आएगा ना, कोई भी फाइनाइट और टेंडिंग टू जीरो नंबर हो तो ये जीरो हो जाएगा लिमिट। तो कहने का मतलब है कि ये इसकी वैल्यू ये क्या हो गया, जीरो के इक्वल आ गया। अच्छा, ये जीरो के इक्वल आ गया मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, एफ ऑफ ए के इक्वल हो गई ना, ये तो कांस्टेंट है एफ ऑफ ए। और ये क्या होता है बताओ, ये किसकी डेफिनेशन होती है, कंटिन्यू कंटिन्यूटी के, मतलब इसका मतलब है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। क्लियर हो गया ना फटाफट, है ना? अब ये बोला जा रहा है कि कन्वर्स के लिए क्या करेंगे, कन्वर्स कैसे प्रूफ करेंगे, कन्वर्स के लिए तो कन्वर्स प्रूव या फिर डिसप्रूव क्या करें? कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो एक काम करते हैं, कन्वर्स के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, कन्वर्स के लिए एग्जाम्पल कैसे लेंगे और क्या लेंगे ये बताओ, कोई एग्जाम्पल सोच के बताओ।
यस सोच के बताओ. मतलब बेसिकली डिफरेंट नहीं, कंटिन्यूस हो पर नॉन डिफरेंशिएबल. हाँ तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ले लें क्या? या फिर ये भी ले सकते हैं ना एक्स बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मॉड एक्स ले लेते हैं ये. एक्स रेस टू 1/3. हाँ वो भी कर सकते हैं बट ये ले लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ यहाँ पे ध्यान से कि यदि इसका ग्राफ y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ यदि देखोगे तो वो इस तरह से आएगा, ऐसा आता है ना y इक्वल टू मॉड एक्स. ठीक है और ये ओरिजिन है, दिस इज x एंड दिस इज y. यदि आप f डैश 0 प्लस की बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. ठीक है तो f डैश 0 माइनस की बात करेंगे तो ये माइनस 1 आ जाएगा. तो हाँ बोलो. बेसिकली कोई भी कंटीन्यूअस ग्राफ जिसमें शार्प एज आ रहा है. हाँ कोई भी कंटीन्यूअस ग्राफ जिसमें शार्प एज आता है उस शार्प एज पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है. हाँ. ये लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लासेस में, पिछली क्लासेस में. तो हाँ. इससे हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाई एफ इज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो. तो हो गया ना, कन्वर्स ट्रू नहीं है. मतलब कि या यू कहें कि यदि इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है भी तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ये गारंटी नहीं है. कंटिन्यूटी, तो यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं हम लोग, नोट क्या रहेगा, कंटिन्यूटी एट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a doesn't imply differentiability, imply differentiability at x equal to 0, at x equal to a, जो भी t at x equal to a. clear हो गया ना ये point? क्या पूरा अच्छे से समझ आया ये पॉइंट? प्रूव दैट डिफरेंशिएबिलिटी. तो आई थिंक ये अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन. क्या है, लेट fx बी अ फंक्शन डिफाइन सेटिस्फाइंग मॉड fx लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर फॉर माइनस वन लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 सो दैट f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड फाइंड एफ डैश जीरो. जीरो पे फंक्शन की जीरो पे फंक्शन की वैल्यू बतानी है, फंक्शन के डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू बतानी है. और सेकेंड है शो दैट एफ एक्स इक्वल टू दिस इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड ऑल्सो फाइंड एफ डैश जीरो. सॉल्व देम. एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं ना. पहला फर्स्ट पार्ट कैसा होगा? लेट फंक्शन बी लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग, ये गिवन है कि मॉड एफ एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर है फॉर ऑल माइनस वन लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, है ना. और हमें प्रूफ करना है कि सो दैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0. तो ये प्रूफ करना है कि जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है और हमें एफ डैश जीरो की वैल्यू भी बतानी है कि एफ डैश जीरो कितना आ रहा है. अच्छा यदि ये एक्स माइनस वन से वन के बीच में ट्रू है तो कोई भी एक्स पुट कर ले, तो मैं लेट से एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा कि ये बोलेगा मॉड ऑफ एफ ऑफ जीरो इज लेस देन और इक्वल टू जीरो ना. अच्छा इसका क्या मतलब है, यदि मैंने कहा कि मॉड एफ ऑफ जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो है तो इसका क्या मतलब होगा बताओ? क्या इसका यही मतलब होगा कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगा? सोच के बताओ. अरे किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जा रहा है कि जीरो या उससे कम है तो मॉड वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो होती नहीं है.
तो सिर्फ जीरो, तो एक ही सिचुएशन होगा कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होगी। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अच्छा, अब हमें एफ डैश जीरो फाइंड करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, यही लिखा जाएगा ना? ठीक है। और ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, बाय द वे क्या होगा, एफ एक्स को हम ऐसे ही लिख देते हैं एफ एक्स, और एफ ऑफ जीरो इज जीरो, तो यहाँ जीरो रखने की जरूरत नहीं, और अपॉन एक्स हो गया। इतनी बात समझ आई ना? इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें देखना है, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि ये तो प्रूव करना ही है कि फंक्शन डिफरेंशियबल है एट एक्स इक्वल टू जीरो, लेकिन साथ में हमें एफ डैश जीरो भी निकालना है। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, यदि आप लेबनिज रूल लगाओगे तो ये फिर से वही आ जाएगा, एफ डैश जीरो आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक अल्टरनेट टेक्निक है, वो क्या है, देखो ध्यान से, कि मॉड एफ एक्स गिवेन है लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? देखो जीरो के नेबरहुड की बात कर रहा हूँ, तो मैंने दोनों तरफ मॉड एक्स से डिवाइड कर दिया, चलेगा मॉड एक्स से? तो यदि ऐसा कर दिया तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, क्या लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स आएगा। अब मैं इधर ना दोनों तरफ लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और इधर भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये तो ट्रू होगा ना, जब ये इससे लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा तो इनकी लिमिट में भी सेम रिलेशन होगा। ठीक है, अब बताओ ये राइट में जो लिमिट दिख रही है, क्या ये इस तरह से हो जाएगा, ये जीरो ही आएगी ये लिमिट, देख लीजिए, राइट हैंड लिमिट हो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो, दोनों ही जीरो आएगा। तो ये कहता है कि मॉड ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जीरो हो गया, तो मॉड वैल्यू तो ये पॉजिटिव ही आएगी ना, तो इसका क्या मतलब है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सोच के बताओ। फिर से वैसी कंसेप्ट आ गया ना इधर, ऐसे इस तरह का सिचुएशन, तो फिर से इसकी वैल्यू जीरो ही आनी चाहिए। बताओ यहाँ पे क्या रखा जाएगा, ये तो फंक्शन जीरो पे डिफरेंशियबल है और एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई है, जीरो आ गई। क्या ये क्वेश्चन ये समझ में आया, ये फर्स्ट पार्ट समझ आया है ना? अच्छा, हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इस सेकेंड पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, शो दैट, क्वेश्चन बोला गया शो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड फाइंड एफ डैश जीरो। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हम एफ डैश जीरो की एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, अच्छा जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो गिवन है ना, है ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो जीरो रख देंगे और एफ एक्स क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ वन बाई एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और ये एक्स साइन वन अपॉन एक्स, और याद करो ये लिमिट बहुत ही फेमस है, ये जीरो आता है कब, हमने कब किया था हम लोगों ने, ये सैंडविच थ्योरम में, याद करो सैंडविच थ्योरम में पता चलता है कि ये फाइनाइट की तरफ है और ये जीरो की तरफ है, तो ये जीरो आ जाएगा, है ना, एफ डैश जीरो आ गया, एफ डैश जीरो इज जीरो, तो यही तो निकालना था हमें, जीरो आ गया और डिफरेंशियबल तो है ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन क्या है, इफ एफ एक्स इक्वल्स ए एक्स प्लस बी व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन,
एंड दिस इज ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू बी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन इज डिफरेंसिबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल एंड फाइंड ए एंड बी. तो बोला जा रहा है कि फंक्शन हर जगह पे डिफरेंसिबल है तो फिर आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है. सॉल्व करो इसको, है ना. देखो करना क्या है, किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करेंगे. लेट्स से बोला गया कि एफ एक्स इक्वल टू दिस व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन और ये एक्स ग्रेटर देन माइनस वन में ये है. और बोला गया कि हर जगह पे डिफरेंसिबल है तो ए और बी की वैल्यू बताओ. ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंसिएबल डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू माइनस वन इंप्लाय कंटिन्यूटी टी एट एक्स इक्वल टू वन. एक्स इक्वल टू माइनस वन क्या कंटिन्यूस होगा? अच्छा तो कंटिन्यूस होने का मतलब कि एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन माइनस. देखो यहाँ पे माइनस वन और माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें आएगा ना, कितना आएगा बताओ. माइनस वन पुट करेंगे तो ये माइनस ए प्लस बी आ जाएगा, है ना. अच्छा एफ ऑफ माइनस वन प्लस कितना आएगा, राइट हैंड लिमिट कितना आएगा माइनस वन पे राइट हैंड लिमिट. माइनस वन पे राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, क्या ये माइनस ए माइनस वन प्लस टू बी आएगा माइनस वन पे राइट हैंड लिमिट. यही आएगा ना राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट. अच्छा कंटिन्यूस है तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे मतलब माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस वन प्लस टू बी. देखो इसमें से ये माइनस ए कट हो गया तो बी का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा. बी इज इक्वल टू क्या ये वन आ जाएगा, थिंक अबाउट इट, ये वन इधर हो जाएगा, v इज इक्वल टू वन तो b वन आ गया. अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है. तो पहला तो हो गया कि फंक्शन इज कंटिन्यूस हो गया. अब फंक्शन माइनस वन पे डिफरेंसिबल भी है तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएं. लेकिन यदि फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे ना तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, टाइम टेकिंग होता है. तो मैं क्या करता हूँ कि एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ. शॉर्टकट क्या है, मतलब ये ज्यादातर तभी अप्लाई होता है जब कंटिन्यूस हो. कैसा हो? कंटिन्यूस हो तभी ये शॉर्टकट अप्लाई होता है, वरना नहीं होता. डिसकंटिन्यूस है तो इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंसिबिलिटी आ ही जाएगा वो तो, ठीक है. तो शॉर्ट याद रखो इस चीज को, शॉर्टकट तभी लगेगा जब इस पॉइंट पे क्या हो, कंटिन्यूस हो, ठीक है. तो अब मैं एफ डैश एक्स लिख देता हूँ डायरेक्ट. एफ डैश एक्स कैसे लिखा जाएगा बताओ, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन और ये कितना हो जाएगा राइट में थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस वन व्हेन एक्स ग्रेटर देन माइनस वन. तो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश माइनस वन माइनस कितना आ जाएगा, ये ए आ जाएगा और एफ डैश माइनस वन प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इससे गवर्न होगा तो माइनस वन थ्री ए प्लस वन. अब चूंकि यहाँ पे ये डिफरेंसिबल है तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, मतलब ए इज इक्वल टू थ्री ए प्लस वन. तो बताओ ए की वैल्यू क्या माइनस वन बाई टू आ जाएगी, ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ गई और बी की वैल्यू वन. कोई डाउट इसमें? इस तरह से हम सॉल्व करते हैं ना? एक मिनट लिख लेते हैं. हाँ आप लिख लीजिए क्या है इस क्वेश्चन में. इफ द फंक्शन जी एक्स इक्वल्स के अंडर रूट एक्स प्लस वन व्हेन जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री एंड एम एक्स प्लस टू थ्री लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव इज डिफरेंशियबल then the value of k plus m is, there are four options, आपको बताने कौन सा best option है, सही कर इस correct answer आपको बता, solve करो.
कितना है यार, 2 आ रहे हैं ना? टू हाँ ओके, जस्ट चेक कर लेते हैं किस तरह से आएगा. अच्छा, डिफरेंसिबिलिटी, पहले तो कंटिन्यूटी आपने प्रूव की, कंटिन्यूटी एट टी एट एक्स इक्वल टू 3 चेक कर लेते हैं. तो इससे क्या मिलेगा, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस इज इक्वल टू 3 माइनस करेंगे तो 3 प्लस 1 4 का अंडर रूट 2 के आ जाएगा ना. ये फर्स्ट हो गया. अच्छा, सेकंड एफ ऑफ 3 प्लस निकालते हैं. एफ ऑफ 3 प्लस कितना आ जाएगा, 3 प्लस करेंगे तो 3m प्लस 2 आ जाएगा ना. थिंक अबाउट इट, प्लस 3m. अब चूंकि कंटिन्यूअस है एट इज इक्वल टू 3, तो 2k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू 3m प्लस 2 प्लस 2 आ जाएगा. ये आ जाएगा, ये एक पॉइंट याद रखना इस चीज को, ठीक है. अच्छा, फिर क्या होगा, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंसिबिलिटी चेक कर लेते हैं. अब चूंकि ऑलरेडी हमने कंटिन्यूस कर दिया, तो जी डैश एक्स निकाल ले क्या पूरा, जी डैश कितना आ जाएगा बताओ, यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको तो ये के अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 आएगा इसका डिफरेंशिएशन, और ये 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, और इधर इसका डिफरेंशिएशन m आ जाएगा, 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5. तो अब क्या करेंगे, g डैश 3 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो इससे गवर्न होगा. ये कितना हो जाएगा, k बाई 4, 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 4 का अंडर रूट 2, 2 2 जा 4, तो k बाई 4 हो गया. इन द सेम वे g डैश 3 प्लस 3 प्लस एम हो जाएगा. तो अब चूंकि ये 3 पे डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब है कि k बाई 4 इज इक्वल टू एम आ जाएगा. ये दूसरा रिलेशन मिल गया. इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, इसको इसको, तो k की जगह m बाई 4 पुट कर देते हैं, तो 2 टाइम्स k की जगह, सॉरी 2k और m की जगह k बाई 4, k by 4 plus 2. Now 4 से मल्टीप्लाई कर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 4k 8k आ जाएगा, 4 into 2 मतलब 8k आ जाएगा, 8k is equal to 3k plus 8 आ जाएगा क्या, थिंक अबाउट इट. हाँ ना, ये 5k is equal to 8 आ गया, 5k is equal to, तो k का वैल्यू, k का वैल्यू 8 by 5 आ गया. अच्छा, k मिल गया 8 by 5, तो और क्या चाहिए, m, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 by 5. इसको फोर्स, k को 4 से डिवाइड करना, तो ये 2 by 5 आ जाएगा, 2 by 5. और यदि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, k plus m का वैल्यू, तो 8 plus 2, 10 by 5, तो मतलब 2 आ जाएगा. सो कौन सा ऑप्शन हो गया, c द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल्स, दिस इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, देन फाइंड एम. सॉल्व करो फटाफट. देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, है ना. इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0. तो पहली बात तो कंटिन्यूटी एट 0 करते हैं, टी एट एक्स इक्वल टू 0. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 आना चाहिए. मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स कितना आएगा बताओ, जब एक्स 0 नहीं है, तो ये लिखा, एक्स 0 नहीं है तो ये लिखा जाएगा ना, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर एम साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये आएगा ना. और इसकी वैल्यू एफ ऑफ 0, 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है ना,
जीरो पुट कर देते हैं, ये जीरो आ गया, ठीक है। हाँ अब ध्यान से देखो कि इसकी वैल्यू जीरो तभी आ सकती है जब एम कैसा हो, पॉजिटिव हो। यदि पॉजिटिव नहीं हुआ ना तो ये जीरो आएगा ही नहीं, नॉट डिफाइन हो जाएगा, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो इनफाइनाइट इनटू फाइनाइट हो जाएगा, नहीं ऑसिलेटरी हो जाएगी ना, ऑसिलेटरी इनटू इनफाइनाइट, ऑसिलेटरी या फिर प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी ऐसी आएगी। देखो एम यदि जीरो हो गया, लेट्स से एम जीरो हो गया तो ये ऑसिलेटरी आ जाएगी, तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। एम नेगेटिव आएगा तो ये प्लस इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी, तो वो भी डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो एम यदि कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू है, तब जाके ये जीरो आएगा। तो पहला ये केस हो गया। तो ये कंटिन्यूटी तभी होगा, कंटिन्यूस तब होगा जब एम ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कंटिन्यूटी का। अब ये बोला जा रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब सेकंड पॉइंट हमें करना है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब है, तो क्या लिख देंगे बताओ यहाँ पे, क्या करें, एफ डैश जीरो निकालते हैं और ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, यही ना। और इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, अच्छा जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एम साइन वन अपॉन एक्स और होल डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगा, ऐसे ही आएगा, थिंक अबाउट। और ये क्या हो जाएगा, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो कितना आ जाएगा, लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू साइन ऑफ वन अपॉन एक्स। अब ये कह रहा है कि यदि ये एग्जिस्ट कर गया तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगी ना जीरो पे, तो हमें क्या करना है, किसके इक्वल रखना है, डज नॉट एग्जिस्ट बनाना है ये। तो डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा, देखो एग्जिस्ट तो तब करेगा जब ये ग्रेटर देन जीरो हो जाए, चेक करो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है ना, इसकी वैल्यू जीरो आती है जब एम ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है। तो यदि एम माइनस वन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आएगा। तो अब क्या होगा, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा कि एम माइनस वन की वैल्यू यदि जीरो या उससे कम आ जाए, जीरो आ गई तो भी ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और नेगेटिव आ गया तो भी इसकी वैल्यू कैसी होगी, प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी, तो भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इसको मैं हटा देता हूं, मतलब एम की वैल्यू यदि एम माइनस वन की वैल्यू जीरो या उससे कम हुई तो फिर ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब एम लेस देन और इक्वल टू वन आ जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एम ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है एम लेस देन और इक्वल टू वन होना चाहिए। इसका मतलब है कि एम बिलोंग करना चाहिए कहां से कहां तक, जीरो से वन तक, ये आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करना क्या है, लेट एफ एक्स इक्वल टू 15 माइनस मॉड एक्स माइनस 10, एक्स बिलोंग्स टू रियल, देन सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इज, देर आर फोर ऑप्शन ए बी सी एंड डी, सॉल्व देम। सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एफ एक्स गिवेन है, देन सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन जी एफ ऑफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड एक्स माइनस ए इज नॉट नॉन डिफरेंशिएबल, नॉट नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए,
समझ आया क्या? ये पता है यदि fx की बात की जाए तो fx क्या बोलेंगे, fx इज नॉन डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 10 ना, देखो मॉड लगा हुआ है इधर, 10 पे नॉन डिफरेंशियबल है। अच्छा बात की जा रही है f ऑफ fx की, तो f ऑफ fx कितना आ जाएगा, क्या ये 15 माइनस मॉड ऑफ fx माइनस 10 आएगा, है ना। अब यहाँ पे ये 15 माइनस मॉड ऑफ fx कितना है, 15 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10 और माइनस 10, ऐसा हो गया ना। इस दिन ही ऑप्शन, कुछ और दिक्कत है क्या? हाँ तो अब वो सिंपलीफाई करेंगे ना, ये 15 माइनस ये मॉड ऑफ कितना आ जाएगा, देखो कि मॉड ऑफ x माइनस 10 और ये कितना आ जाएगा, प्लस 5 माइनस मॉड x माइनस 10 ना, थिंक अबाउट तो it. वो 5 माइनस मॉड x माइनस 10 रहेगा ना, अपने प्लस, थिंक अबाउट इट fx माइनस 10 था ना, तो fx कितना आ जाएगा, 15 माइनस fx की जगह हमने 15 माइनस मॉड x माइनस 10 लिख दिया, तो क्या दिक्कत है अब? सो आपने नीचे मॉड x माइनस 10 लिखा, वो माइनस मॉड x माइनस 10। अच्छा अच्छा हाँ ये थोड़ा गड़बड़ है, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, है ना। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 माइनस मॉड 5 मॉड x माइनस 10, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पे ना थोड़ा इसको 10 के अबाउट चेंज करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ये x इक्वल टू 10 लिख देते हैं, चलेगा। 10 के लेफ्ट में क्या एक्सप्रेशन होगी और 10 के राइट में क्या एक्सप्रेशन होगी, मतलब x लेस देन 10 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में यही चीज कैसे दिखेगा। तो जब x लेस देन 10 होगा तो इसको क्या लिखेंगे, 15 माइनस मॉड ऑफ 5। अच्छा x जब लेस देन 10 होगा तो ये नेगेटिव आएगा ना, है ना, नेगेटिव आएगा तो ये प्लस होके प्लस x माइनस 10 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब x ग्रेटर देन 10 होगा तो यही एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, 15 माइनस मॉड ऑफ 5, ये माइनस लग जाएगा ना, ये एज इट इज आ जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 10 आ जाएगा। तो अब दोनों को यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, तो कितना लिखा जाएगा बताओ, 15 माइनस कितना आ जाएगा, मॉड x, x माइनस 5 ना, तो जो x लेस देन 10 के लिए, तो फिर ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशियबल है, दिस इज नॉन डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 5, डिफरेंशियबल विल एट x इक्वल टू 5, 5 पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ गई। अच्छा इसको के बारे में देखते हैं, इसको थोड़ा और रीअरेंज कर देते हैं, तो कितना 15 माइनस ये कितना 15 माइनस x ना, तो ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी है, नॉन डिफरेंशियबल एट will 15. at x equal to 15. तो कौन कौन से पॉइंट होंगे, सिर्फ 5 और 15 होगा क्या, नहीं, 5 होगा, 15 होगा और 10 आएगा, क्योंकि fx का भी चेक करेंगे, fx भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मेरा a ही आया, पर 20 कैसे हो सकता है, क्या हुआ, तो 20 कैसे आएगा, आपने बोला c भी हो सकता है, मेरा सिर्फ 5 10 और 15 आया, 5 और 15 ही आया ना तुम्हारा, नहीं 5 10 और 15 ऑप्शन ए बोला, हाँ तो ए आएगा ना, ए 3 आएगा ना, 5 10 एंड 15, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप ये बोलो कि सर 10 पे कैसा होगा, तो 10 पे भी चेक करवा देते हैं, 10 पे तो जस्ट 10 के लेफ्ट नेबरहुड में देखते हैं, 10 के जस्ट लेफ्ट में कितना आएगा, यही एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, f of fx कितना आ जाएगा बताओ, 10 के लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में, ये पॉजिटिव है ना,
तो ये पॉजिटिव है तो ये कितना लिखा जाएगा, ये 10 के जस्ट लेफ्ट में, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, 10 से जस्ट छोटा, तो ओके ये आ जाएगा 20 - x, ना हाँ है ना। अच्छा 10 के जस्ट राइट में ये क्या लिखा जाएगा बताओ, जस्ट राइट में तो ये पॉजिटिव एक्स है, एक्स x लिखा जाएगा ना, f(f). हाँ तो आप देख सकते हो कि 10 के जस्ट राइट में स्लोप कितना है, 1। हाँ अरे राइट हैंड जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ही तो होता है, 10 के जस्ट राइट में इसका स्लोप है 1 और इसका स्लोप कैसा है, -1। तो आप देख सकते हो कि 10 पे भी ये क्या है, नॉन डिफरेंसिबिलिटी है। तो ए इज दी करेक्ट ऑप्शन है ना। हाँ तो ऑल दो हम लोगों ने शुरुआत में ही, कई बार ऐसा होता है कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि 10 पे नॉन डिफरेंसिबिलिटी ना मिले या हाँ डिफरेंसिबल हो जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो तुम्हें वो हाँ चेक करना पड़ेगा, वो 10 वाला पॉइंट, इस तरह का पॉइंट है। ठीक है, तो हाँ मैंने तुम्हें चेक करके बता दिया ये वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ